दोस्तों, सर्दियों का गर्मी का मौसम है, पशु पक्षियों के लिए चार छत के ऊपर पक्का एक स्रोत रखें, छोटा रखें, जिसमें जो है पशु पक्षी जो है पक्षी अपना पानी पी सके, और जानवरों के लिए ज़मीन में रोड में कहीं पर भी आप छोटा मोटा बर्तन रख सकते हैं, ठीक है। और वो पानी चेंज करते रहें और वो पानी का इस्तेमाल अपने पौधों में कर लें, वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। ये करना है, इसको अपनी जगह पर एक जगह फिक्स करके रख देना है, ठीक है। श्रोता जो है इससे से एक सेफ जगह रख सकते हैं, ठीक है। इसमें पशु पक्षी पक्षी जो भी आएंगे अपना पानी देंगे, और कबूतरों के लिए, ठीक है, कबूतरों के लिए आप चारा रख सकते हैं, और कोशिश करेंगे कबूतरों को चारा देने की कोशिश करें। दोस्तों, हम हर जगह काफ़ी पैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर किसी बेजुबा का, क्योंकि अपना दर्द बोलकर कभी नहीं कहते, काफ़ी पक्षियों की, पशुओं की, डॉगियों की, इस भीषण गर्मी में, इतनी भयंकर गर्मी हो रही ना, काफ़ी पशु पक्षियों की जान चली जाती है, सिर्फ एक हमारे छोटे से पहल की ना करने की वजह से, ठीक है। आप कोशिश करें कि छत में एक बाउल रखें, मिट्टी का बर्तन रखें, और उसमें पानी डालें, उसमें पानी ऑलरेडी ठंडा हो जाता है, जो भी पक्षी आएगा, बंदर आएगी, जो भी आएंगे, वो उस पानी को पिएंगे और अपनी प्यास को बुझाएंगे। इस गर्मी में खाने से ज़्यादा अहमियत किसकी है, पानी की है। दोस्तों, पानी से बहुत से जानवर मर रहे हैं और तरह तरह के अपनी जान दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पानी उपलब्ध हो नहीं पाता, इंसानों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो जानवर बेचारे क्या करेंगे। मैंने बोला ना, ये बेचुआ अपने दर्द बोलकर कभी नहीं कहते, ठीक है, अपनी राष्ट्रीयता का, भारतीयता का परिचय दें, और जानवरों के लिए और पशु पक्षियों के लिए छोटी सी सेवा मुहैया कराएं। ये सेवा जो आप कर रहे हो, इसमें आपको ना मंदिर गुरुद्वारा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपके कर्म जो है ना, वही सबसे बड़े मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पक्षियों को भी चारा दें, और कबूतर आएंगे, अपने टाइम से आते हैं दोस्तों, ये इनको पता है कब कब चारा रखा जाता है, ये अपने टाइम से आके ये चारे को खाते हैं, ठीक है। चारों को आके आराम से वो लोग खाएंगे, अपना पेट भरेंगे। दोस्तों, कुछ नहीं जाता यार, हम कितने पैसे बर्बाद करते हैं, मिसयूज करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में, सेलिब्रेशन में, काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी यार इस चीज़ों को भी, ठीक है, हर चीज़ का हमने डे बना रखा है, ठीक है, मदर डे, फादर डे, हग डे, सो डे, रो डे, मर डे, जी डे, हर डे, फलर डे, ये डे, वो डे, लेकिन यार कभी रोटी डे भी बना के देखो दोस्तों, मर्जी से बनाओ, दुनिया तो बनाएगी भी, वरना किसी की इतनी कोशिश करने की कुवत है कि इस तरह का भी कोई ऐसा काम किया जाए, ठीक है। रोटी डे के बहाने क्या, कम से कम किसी को, जानवर को रोटी दे, पक्षियों को पानी दे, पशु पक्षियों को पानी दे, ऐसा डे भी कोई बने तो मज़ा आ जाए यार दोस्तों, ज़िंदगी जीने का, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।